सभी व्यूअर्स का वेलकम है द हिंदू की YET एडिटोरियल क्लास में, जहां पे मैं आपको एडिटोरियल उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूं आपकी 6-8 घंटे का जो एफर्ट है ना वो आधे घंटे में समेट दूं। ग्रामर, वोकेबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन तीनों इसके अंदर एक पैकेज की तरह इंक्लूडेड है। फटाफट से अपने उस खास अंदाज के अंदर शुरू करेंगे आज के सेकंड एडिटोरियल को, प्रोलॉन्ग्ड इनजस्टिस। खास अंदाज इसलिए बोलता हूँ मैं, बहुत लोग पढ़ाना जानते हैं इसको इस अंदाज के अंदर, पर जनरली आपको पेड कोर्सेज में देखने को मिलेगा। करे इनजस्टिस, इनजस्टिस मतलब जस्टिस के आगे इन लगा हुआ है मेरे भाई, मतलब यहाँ पे अन्याय की बात हो रही है, एंटोनिम बना हुआ है। करे इनजस्टिस है और है प्रोलॉन्ग्ड, लंबा खींचा हुआ, बहुत लंबा चल गया बिलबर की खिचड़ी के जैसा। किसका है, क्यों है, किसने किसके साथ किया है, ये टाइटल पैराग्राफ से हमें मालूम चलेगा। उससे पहले प्रोलॉन्ग के सब सिनोनिम्स जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 500 बार, एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर से। प्रोट्रैक्टेड, जिसको लंबे समय तक ट्रैक्ट किया गया हो, लंबा खींचा गया हो। प्रो मतलब किसी के साथ में, ट्रैक्ट मतलब किसी चीज़ को बहुत खींचना, प्रोट्रैक्टेड का मतलब क्या, लंबा खींचना। अच्छा, लिंगरिंग, जो बहुत समय तक लिंगर कर रहा हो, लटक रहा हो, मंडरा रहा हो, बहुत समय से लटका हुआ हो, लिंगरिंग। परसिस्टिंग भी लिंगरिंग का एक सिनोनिम है, परसिस्ट करना और लिंगर करना एक ही बात है, लंबे समय तक लटके रहना। इलोंगेटेड, बीच में क्या आ रहा है, LONG, लॉन्ग शुरू में आ रहा है, किसी चीज़ को लंबा बनाना, इलोंगेटेड। वर्ड्स को याद करने का यही तरीका है, रूट्स पर जाएं, रूट्स पर जाकर के या निशानियां लगा करके आप वर्ड्स को याद ईजिली कर सकते हैं। अब टाइटल पैराग्राफ को पढ़ के देखते हैं। कह रहा है महबूबा मुफ्ती कंटिन्यूड डिटेंशन इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ हार्ड टू डिफेंड मॉरली एंड पॉलिटिकली। कह रहा है जो मुफ्ती मैडम है ना, महबूबा मुफ्ती, उनका जो नज़रबंदी का काम है, डिटेंशन का काम है, नज़रबंदी मतलब डिटेंशन मतलब नज़रबंदी, और कैसी नज़रबंदी, जो है कंटिन्यूड, जो है जारी। अच्छा, और कहाँ पे, इन J&K, जम्मू एंड कश्मीर में। कह रहा है जो डिटेंशन नाम का जो काम है ना इनका, नज़रबंदी का, वो है बड़ा मुश्किल, वो है बड़ा ही आसान नहीं है बिल्कुल भी वो। क्यों, डिफेंड करने के लिए, सही ठहराने के लिए, मॉरल तौर पर, नैतिक तौर पर, और सियासी तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर। तो ना तो नैतिकता से ना पॉलिटिकली इसको कह सकते हो कि डिटेंशन जो है बिल्कुल सही है, इसको डिफेंड नहीं कर सकते। अब आ जाओ सेंटेंस के पीछे की ग्रामर पे। सबसे पहली चीज़, सब्जेक्ट डिटेंशन, वर्ब है इसकी इस। ये खाली यहाँ पे मैंने मार्क नहीं किया है, पूरा एडिटोरियल मार्क किया हुआ है, जो लोग रोज़ पढ़ते हैं मेरे साथ उनको मालूम है किस तरह से मैं चलता हूँ। ये अगर आप नहीं पकड़ सकते सब्जेक्ट कौन और वर्ब कौन, तो आप क्या कर रहे हो, अंधेरे के खिलाड़ी हो, अब अंधेरे के तीरंदाज हो। सबसे पहली इंग्लिश की जर्नी जो शुरू होता है ना, पहला स्टेप, पहली सीढ़ी यही है, सब्जेक्ट और वर्ब पकड़े हैं, उसके बाद आएँ किसी दूसरी चीज़ पे। करके देखें इस एक्सरसाइज को मेरे साथ। दूसरी चीज़, कंटिन्यूड यहाँ पे अचानक से आई V3 है, ये किसी नाउन या प्रोनाउन को अपने से आने वाले पहले वाले बाद वाले को मॉडिफाई कर रही है। कंटिन्यूड डिटेंशन, कैसी डिटेंशन है, लंबी डिटेंशन, छोटी डिटेंशन, कंटिन्यूड डिटेंशन। अब इसमें एक सवाल आपके पास आएगा, सर आप तो आइडेंटिफाई कर लेते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कब एडजेक्टिव काम करती है, मैं कैसे बताऊं ये अचानक से आई V3 है, एडजेक्टिव है। सीधा सा तरीका है, आपको इसके टुकड़े टुकड़े कर देने है ना, छोटे छोटे पीसेस, हर पीस को उसकी औकात बता देनी है, आपको पता लग जाएगा ये काम क्या कर रहा है। मैं आपके सामने करता हूं, देखते जाओ। महबूबा मुफ्ती एक इंसान है, प्रॉपर नाउन है, आगे अपोस्ट्रोफी एस लगाया है, मतलब किसी का काम, इसी को हम बोलते हैं पजेसिव नाउन, मेरा तुम्हारा है ना। अच्छा, ये पजेसिव नाउन क्या काम करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव की तरह है, एक एडजेक्टिव होते हैं। अच्छा, ये एडजेक्टिव है तो इसके बाद में एक दूसरा नाउन आएगा। अच्छा, दूसरा नाउन आया इसके बाद में, यहाँ तो वर्ब आ गई, जिसको आप मेन वर्ब मान करके चल रहे थे कंटिन्यूड को, मान लो मेन वर्ब है, चलो मेन वर्ब है, नाउन के बाद में वर्ब आती तो ठीक है, पर ये तो आ रही है एडजेक्टिव के बाद, साइड में रख देते हैं इसको, थोड़ी सी मेरे को रिस्की लग रही है, मेन वर्ब नहीं है। आगे आ जाओ, डिटेंशन एक नाउन, देखो पहले एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव तभी आता है जब उसके साथ में कोई नाउन आए, यहाँ पे नाउन हमें मिल गया, ये दोनों एक दूसरे से मॉडिफाई हो रहे हैं, ठीक है ना, इसको मैंने अभी साइड में रखा हुआ है। अब देखो आगे प्रपोजिशन आई इन, उसके बाद में एक दूसरा नाउन आना चाहिए, प्रपोजिशन अपने बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट देगी जो कि नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड होता है। जम्मू एंड कश्मीर एक प्रॉपर नाउन है, एक जगह का नाम है, मैंने इसको नाउन को इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। अभी तक सब कुछ सही है इस कंटिन्यूड के अलावा, आगे बढ़ो। इज हार्ड, अच्छा इज क्या है, बी फैमिली की वर्ब, कभी भी अकेले नहीं आती, और जब जब अकेले आती है मेन वर्ब बन जाती है। ये इज जो है ना, ये मेन वर्ब है आपकी, इसको अगर आप मेन वर्ब नहीं बनाओ ना तो ये कुछ नहीं बन सकती, इस वर्ड को कुछ ना कुछ यूज़ तो लेना ही है, तो ये मेन वर्ब तो अपने आप आपकी गई बन। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये मेन वर्ब है तो ये कंटिन्यूड आपकी मेन वर्ब नहीं है। अब इसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, एडजेक्टिव बनने का, वर्ब की तीसरी फॉर्म दूसरा ऑप्शन यही होता है उसके पास। तो महबूबा मुफ्ती का
डिटेंशन, और कैसा डिटेंशन है, कंटिन्यूड डिटेंशन, दो एडजेक्टिव इस डिटेंशन को कर रहे हैं मॉडिफाई शुरू में आखिर के, समझ गए ना कैसे बना हुआ है। अच्छा, इसके बाद में एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, सब्जेक्ट हो गया आपका डिटेंशन है, कॉम्प्लीमेंट हो गया हार्ड, डिटेंशन कैसा है, हार्ड है, समझ गए ना, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ये लिंक वर्ब मिला रही है। डिफेंड इसका जो है टू के बाद इन्फिनेटिव लगा हुआ है, मॉरली एंड पॉलिटिकली दो एडवर्ब्स हैं, ये सब आपके सर के ऊपर से निकलेगा और लाजमी है। अगर आज आप सीधे सीधे इस वीडियो पे आकर के मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इंग्लिश को सिस्टमेटिक समझाता हूँ उस तरीके से जिस तरीके से पाँचवीं आठवीं का बच्चा भी समझ करके इंग्लिश का एग्जाम क्रैक कर सकता है। अगर सीखना चाहते हैं, यहाँ प्लेलिस्ट है, वीडियो नंबर जीरो से करें शुरू, ठीक है। बढ़े आगे, एक छोटी समरी मैं आपको दे देता हूँ। अभी क्या किया है इनको, मुफ्ती मैडम को लॉकडाउन किया है, उसके अंदर जेल से उठा करके इनके घर में नज़रबंद कर दिया है। ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जिनको धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद में जेल में डाला गया था, हो गए 8-10 महीने। एडिटोरियल क्या कह रहा है, अब तो छोड़ दो, सारी दुनिया लॉकडाउन में है, कहाँ ये बाहर निकलेंगी, और नज़रबंद करने के पीछे पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट लगा रखा है आपने, कौन सी ऐसी खिलाड़ी हैं ये पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के अंदर अभी तक इनको आपने नज़रबंद रखा हुआ है, बाकी सबको छोड़ दिया, ऐसी कौन सी बड़ी 30 मार खाए हैं जिनको आज तक आपने इनके अधिकारों का हनन किया हुआ है। तो कह रहा है लॉकडाउन आ रहा है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर इनको छोड़ करके घर में नज़रबंद ना करें, इनको आज़ाद करें, जिस चीज़ की ज़रूरत है उस काम पे ध्यान दें, अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दें, ना कि जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती पे, ठीक है ना। शुरू करते हैं, एक समरी आपको भी एडिटोरियल की लिखनी है अपनी इस भाषा में, मतलब इंग्लिश भाषा में लैंग्वेज में लिखनी है पर अपने वर्ड्स के अंदर, डालें कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं कोशिश करता हूँ समरीज को रेट करने की, कुछ लोग और भी हैं आपकी समरीज पे आपको ज़रूर कुछ एडवाइस देंगे। कह रहा इट हैज़ बीन 8 मंथ्स सिंस द सेंटर रिवॉक्ड द स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ जे एंड के एंड डाउनग्रेडेड एंड डिवाइडेड इट इंटू टू यूनियन टेरिटरीज इन अगस्त 19। कह रहा ये हो चुके हैं, इट हैज़ बीन कितने 8 महीने, अच्छा कब से, कह रहा कब से, जब से सेंटर ने रिवोक किया, जब से सेंटर ने फिर से खींच लिया, कैंसिल कर दिया, विड्रॉ कर दिया, अच्छा किसको, खास संवैधानिक दर्जे को, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को, अच्छा किसके, ऑफ लगा के बता देता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर के। अच्छा दूसरा काम क्या किया सेंटर नाम के सब्जेक्ट ने, एक तो रिवोक किया एंड लगा के दूसरी वर्ब क्या लगा दी, डाउनग्रेड कर दिया, एक दर्जा नीचे ले आया सेंटर। अच्छा तीसरा काम क्या किया, डिवाइड कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए इसके, और किस में, टू यूनियन टेरिटरीज में, दो केंद्र शासित प्रदेशों में। अच्छा किया कब सब काम ये, इन अगस्त 19 सन 2019 अगस्त के अंदर, समझ गए सेंटेंस को, 8 महीने हो चुके हैं जब से सेंटर नाउन का सब्जेक्ट ये तीन टाइप की वर्ब पास एंड डेफिनेट टेंस के अंदर कर चुका है, समझ गए ना, रिवोक किया, डाउनग्रेड किया, डिवाइड किया। अब इस सेंटेंस में ध्यान से देखो, कई सारे लर्निंग लेसन्स हैं। सबसे पहले तो मैं बिगनर वाला लेता हूँ, जो सारे बिगनर्स को बहुत ज़्यादा ना डिफिकल्टी होती है। आप मेरे से भी पूछोगे कमेंट सेक्शन में, कई लोग सर हैज़ बीन लगा थर्ड फॉर्म कहाँ गई वर्ब की, आधे तो पूछोगे हैज़ बीन के बाद में V3 क्यों नहीं लगी हुई, और दूसरे आधे जो है हमारे थी वो पूछेंगे हैज़ बीन के बाद में वर्ब की ING फॉर्म कहाँ गई। थोड़ा ध्यान से देखना, आपकी गलती है, सेंटेंसेस टेंसेस की वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसके बाद भी अगर आपके सवाल हैं तो एक बार के लिए बताता हूँ, आपको अपनी गलती महसूस होता कि इस सेंटेंस को देखो, एन एसे इज़ रिटन बाय मी, इसके बाद में V3 लगी हुई है, एन एसे इज़ पॉजिंग डिफिकल्टी फॉर मी, इसके बाद में वर्ब की ING फॉर्म लगी हुई है, एन एसे इज़ ईजी टू राइट, एक ऐसे ईजी है लिखना, इसके बाद में एक जो है एडजेक्टिव लगा हुआ है, एन एसे इज़ अ पैराग्राफ, इसमें इसके बाद में एक नाउन लगा हुआ है, इनमें क्या फ़र्क है। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से प्रेजेंट सिंपल टेंस इसलिए बनाया क्योंकि सिंपल चीज़ें आपको जल्दी समझ में आती हैं। आप देखते बता दोगे अगर आपने ऐसे एक्टिव पैसिव जाने हैं, सर ये तो पैसिव है, ऐसे को मेरे द्वारा लिखा गया एक काम हुआ है, और सर ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ऐसे जो है डिफिकल्टी को पोज कर रहा है, और सर ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है पर इसमें इसके बाद में वर्ब नहीं आएगी क्योंकि ये किसी की अवस्था को बताता है, अपने बाद में एक एडजेक्टिव या एक नाउन को लेता है, ऐसे ऐसा है, ऐसे वैसा था, ऐसे ने कुछ काम नहीं किया इसलिए यहाँ पर कोई वर्ब नहीं लगती। अगर मैं इसको यहाँ पे हैज़ बीन से अभी रिप्लेस कर दूँ, इसी इसको यहाँ भी हैज़ बीन से रिप्लेस कर दूँ, हैज़ बीन है ना, और यहाँ भी हैज़ बीन से रिप्लेस कर दूँ, अब आपके सवाल का जवाब आप खुद से लो, क्यों यहाँ पे हैज़ बीन के बाद में 8 मंथ्स आया हुआ है, रिटर्न नहीं आया हुआ, पोस्टिंग नहीं आया हुआ, कोई वर्ब की ING फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई हुई, क्योंकि वो होता प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव या वो होता प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
एक्टिव जिसके अंदर कुछ काम नहीं हो रहा, हैज़ बीन नाम की लिंक वर्ब आ रही है, कुछ काम नहीं होने की वजह से यहाँ पे वर्ब कोई आ नहीं रही। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो आपका फाउंडेशन, आपका बेसिक बहुत ख़राब है। टेंसेस पे काम शुरू कर दो, अंधेरे पे तीर मत मारो, शुरू बढ़े आगे। चलो, कह रहे सेवरल पॉलिटिकल लीडर्स इम्प्रिजन्ड इन द वेक ऑफ द एब्रप्ट डिसीजन कंटिन्यू टू बी इन डिटेंशन इवन नाउ। कह रहे बहुत सारे सियासी नेता, पॉलिटिकल लीडर्स जो कि अचानक से आई वी थ्री इम्प्रिजेंट से एडजेक्टिव है यहाँ पे, जो कि इम्प्रिजेंट थे, जिनको जो है जेल में डाला गया था, कह रहा कब, इन द वेक ऑफ, बाद में, इन द वेक ऑफ, बाद में किसके, अचानक से आए हुए डिसीजन के, एब्रप्ट डिसीजन के। कह रहे ये पॉलिटिकल लीडर्स जो है ना जा रही हैं ये डिटेंशन में होना, टू बी इन डिटेंशन इवन नाउ, अभी तक। कोमल कह रहा है द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग देम बीइंग द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती। कह रहा सबसे प्रोमिनेंट, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली उनमें से अमंग देम कौन सी हैं, ये चीफ मिनिस्टर साहब महबूबा मुफ्ती, हमारी जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है। समझ गए सेंटेंस को, फिर से वही अचानक से आई हुई वी थ्री है इम्प्रिजेंड, पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में कुछ बता रही है। कह रहा पॉलिटिकल लीडर्स जो कि इम्प्रिजेंड हैं, अगर मैं इसको मेन वर्ब मान लूँ, पॉलिटिकल लीडर को सब्जेक्ट मान लूँ, तो ये यहाँ पे कंटिन्यू क्या करेगा, कहाँ जाएगा कंटिन्यू, इसके पास कोई जगह नहीं है जाने की, समझ रहे हो मेरी बात। कंटिन्यू मेन वर्ब है, इसलिए इम्प्रिजन जो है आपका एडजेक्टिव है। बढ़े आगे, इन द वेक ऑफ को जाने, आफ्टर या फॉलोइंग या एज ए रिजल्ट ऑफ, परिणाम स्वरूप बोलते हैं हिंदी में, चारों इसके जो है ना जगह आप रख सकते हो, है ना। इन द वेक ऑफ की जगह आप जो है फॉलोइंग भी रख सकते थे सीधे सीधे। बढ़ते आगे, कह रहे द अदर टू फॉर्मर सीएम्स। अब यहाँ पे बड़ा शानदार से ग्रामर कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। टू अदर फॉर्मर सीएम्स, एक तो ये साहब और दूसरे ये साहब, वर रिलीज्ड लास्ट मंथ। दो दूसरे पुराने चीफ मिनिस्टर्स, फॉर्मर मतलब पुराने चीफ मिनिस्टर्स, जिनके ये नाम है, रिलीज हुए थे पैसिव वॉइस में पिछले महीने, लास्ट मंथ। अब देखो यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है, ये जो अदर है ना सब्जेक्ट है इसका, मैंने इसको ग्रीन इसलिए नहीं किया क्योंकि इस पर कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने ब्लैक किया हुआ है। ध्यान से देखना कब अदर, कब अनदर और कब द अदर आप यूज़ करते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, नहीं समझोगे तो बड़ा कन्फ्यूजिंग है, और वैसे कॉन्सेप्ट है आधे मिनट का, इसको एक बार मत देखो, सिर्फ इन तीनों को करो कोशिश पहले अपने आप से सही करने की। बताना मुझे इन तीनों में से इन सेंटेंसेज में ब्लैंक में आप क्या रखोगे, पहले खुद कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट के साथ में, और फिर कुछ भी है इस पर। चलो कोशिश जरूर करना, मगरमच्छ की तरह पड़े मत रहना बेड में, पेन चलाना, दिमाग जरूर चलाना। चलो, अदर लगता है प्लूरल के लिए, अनदर क्या होता है, एन अदर, एन लगता है सिंगुलर चीज़ों के लिए, अनदर का मतलब होता है सिंगुलर चीज़ें, और द अदर क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए, पर जो हो स्पेसिफिक। द हमेशा स्पेसिफिक चीज़ों के आगे लगाते हैं डिटर्मिनर, स्पेसिफिक सिंगुलर और स्पेसिफिक प्लूरल के आगे द अदर। अब इसको यूज़ करके दिखा देता हूँ फटाफट तीनों को आपके सामने, ताकि आपको समझ में आए इनका फ़र्क। शुरू करेंगे तीसरे वाले से, ताकि आपके लिए ईजी हो। देयर आर टू आस्पेक्ट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के दो पहलू हैं, फेसेट हैं, आस्पेक्ट हैं। वन इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, पहला तो मुश्किल है समझने के लिए, और कह रहा है दूसरा इज़ ईजी, जो दूसरा वाला है वो है ईजी। यहाँ पे क्या लगाना है, या तो अदर लगाना है, या अनदर लगाना है, या द अदर लगाना है। अब ध्यान देना, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे आगे वन भी लिखा हुआ है, वन क्या होता है सिंगुलर, वंस होता ना वंस, तो मैं मान लेता प्लूरल है, सिंगुलर है बिना इसके आया हुआ है, मतलब यहाँ पे हमें एक सिंगुलर चीज़ की ज़रूरत है। अदर तो लगता है प्लूरल के साथ, इसको तो भूल ही जाओ, यहाँ लगेगा ये नहीं लग सकता, हमेशा प्लूरल के साथ आता है। अनदर और द अदर में से एक को चूज़ करना है। अब ये बताओ मुझे, दो आस्पेक्ट हैं इसके, एक को तो मैंने बता दिया अंडरस्टैंड करने के लिए मुश्किल है, दूसरा अब सीधे सीधे मैं क्या कर रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ दूसरे पार्ट की तरफ। अब निशानी लगा लो, जब भी किसी चीज़ के मैं दो हिस्से कर दूँ, एक हिस्से के बारे में आपको कुछ बता रहा हूँ और दूसरे हिस्से के बारे में मैं आपसे ब्लैंक में पूछ रहा हूँ क्या लगाना है, तो आप लगाओगे द अदर, क्योंकि हम स्पेसिफिक हिस्से की बात कर रहे हैं। आपको मैं बता चुका हूँ दो ही पार्ट हैं इसके, इस प्रॉब्लम के, एक का तो मैं बता चुका, अब बात हो रही है दूसरे की, स्पेसिफिक की बात हो रही है ना, और सिंगुलर की बात हो रही है, तो मतलब लगेगा द अदर। समझ गए मेरी बात को, अनदर क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि नॉन स्पेसिफिक नहीं है दूसरा पार्ट, मैंने आपको एक पार्ट के बारे में बता दिया है, अब आपको पता है दूसरा ही, एक ही पार्ट बचा है, दूसरा कुछ बचा नहीं है इसके अलावा। बड़े आगे, द बैंकरेंट कंपनी रिक्वेस्टेड फॉर, यहाँ पे ब्लैंक, मंथ ऑफ रिलैक्सेशन टू पे द ड्यूज, ये बैंकरेंट कंपनी ने रिक्वेस्ट किया एक दूसरे मंथ के लिए रिलैक्सेशन का, पे करने के लिए ड्यूज को, उसने बोला एक महीना और दे दो, एक दूसरा मंथ और दे दो,
ताकि हम ड्यूज को पे कर पाएं। यहाँ पे लगाना तीनों में से एक, अदर तो आप लगा नहीं सकते, मैंने बताया प्लूरल के साथ लगेगा, यहाँ तो मंथ लिखा हुआ है, अब क्या लगेगा, अनदर या द अदर। अब देखो अनदर लगाऊं या द अदर लगाऊं, सोच के बताना ज़रा। द अदर लगा दूं तो क्या किसी मंथ को मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने जनवरी लिखा, यहाँ पे मैंने जुलाई लिखा, मंथ होते हैं 12, किसी को मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ तो सीधे सीधे मुझे अनदर लगा देना है। सिंगुलर है, आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहा, अनदर। सिंगुलर है, आइडेंटिफिकेशन कर पा रहा हूँ, द अदर। प्लूरल है, सीधे सीधे है प्लूरल, तो अदर सीधे सीधे मेरा लग जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ अनदर, क्यों आप समझ गए ना, सिंगुलर है और मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कौन से महीने की बात हो रही है। अब तीसरा देख लो, शी लाइक्स नाइकी सो मच दैट शी नेवर बाइज एनीथिंग फ्रॉम डैश ब्रांड्स। वो नाइकी को इतना पसंद करती है कि कभी भी कोई दूसरी चीज़ दूसरी ब्रांड से नहीं खरीदती है। पहली चीज़ तो पीछे क्या आ रहा है, ब्रांड्स, यहाँ पे क्या है आपके पास, प्लूरल। प्लूरल है तो अनदर को तो भूल जाओ, ये तो सिंगुलर के साथ लगता है, अब लगेगा या तो अदर या लगेगा द अदर। ब्रांड्स कौन सी है, नाइकी के बाद पूमा है, एडिडास है, जॉकी है, कौन सी की बात हो रही है, बता सकते हो आप, नहीं बता सकते। जब आप बता ही नहीं सकते तो द अदर का तो कोई काम है नहीं, अनदर को आपने पहले निकाल दिया, बचा क्या, अदर, अदर ब्रांड्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले डिटरमिन करो आपको सिंगुलर लेना है प्लूरल लेना है, उसके बाद जैसे ही प्लूरल लेना हो तो अदर या द अदर में से एक होगा, सिंगुलर लेना हो तो अनदर या द अदर में से एक होगा। ये कैसे डिसाइड करना है द अनदर होगा या अनदर होगा, ये ऐसे डिसाइड करना है, अगर स्पेसिफिक हो, मंथ हो, डे हो, तब तो द अदर, और अगर आपके पास स्पेसिफिक ना हो तो सीधे सीधे आपको द अदर को यूज नहीं करना है। समझ गए इतना तो रिपीट कर लेना, अगर थोड़ी सी भी शर्म मत करना, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो रिपीट कर लेना। ये देखो ये वाले आपसे मैंने क्विज के क्वेश्चन पूछे हैं तीन, कोशिश करो इनको डालने की कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है ना। इन तीनों के आंसर इन्हीं तीनों में से निकलेंगे, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्विज है अपना वेस्ट। गलत होते हैं उनके मैं सही करने की कोशिश करता हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर अपने आंसर्स डालना। ये वेस्टिंग टाइम मैंने यहाँ पे क्यों किया रेड आपको मालूम है, छोटी सी बात कहनी है आपसे मुझे। आप लोग मैसेज करते हो मुझे व्हाट्सएप पे, फ़ोन भी करते हो, रात में 12:30 बजे 11:30 बजे फ़ोन आते हैं मेरे पास, क्या कर रहे हो आप लोग, खुद से पूछो, खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेरा तो कीमती बेशकीमती नहीं है इतना, आपका मेरे से ज़्यादा बेशकीमती है। मेरे पास 100 आदमी हैं, 70 से 80 के 100 पीपल जिनकी मैं समरी चेक करता हूँ हर रोज़, जो कि अपने एक्सक्लूसिव मेंबर्स हैं। आप मेरे पास इतने मेंबर्स, इतने लोग जो मेरे पास मैसेज करते हो, दिन में 400-450 मैसेज आते हैं मेरे पास, सर इसमें मेन वर्ब कौन सी होगी, सर इसमें एडजेक्टिव कौन है। अगर मैं आपको एडजेक्टिव मेन वर्ब बताने लग जाऊँ ना, तो जो लोगों ने पैसा पे किया है और समरी लिख लिख के मुझे भेजते हैं, उस पैसे का हक उनको नहीं मिलेगा। उनके मैसेज नीचे चले जाते हैं, आपके मैसेज ऊपर आ जाते हैं, रिप्लाई मैं किसी का नहीं कर पाता, सब परेशान है। ऐसा काम ना करें, नंबर आपको मिला हुआ पेमेंट रिलेटेड इंक्वायरीज़ के लिए, और मैं दिन में 60 से 70 से ज़्यादा समरियाँ चेक नहीं कर सकता। आप मेंबर हो तब समरी भेजते भी अच्छे लगते हो, अगर आप मेंबर नहीं हो और फिर भी मुझे भेज करके पूछते हो सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो जिन लोगों ने पैसा पे किया हुआ है उनके साथ इनजस्टिस है, ऐसा काम ना करें। और फ़ोन बिल्कुल नहीं करें, किसी का फ़ोन मैं रिसीव नहीं करता हूँ, व्हाट्सएप के थ्रू ही मैं बात करता हूँ। 70,000 लोग अगर मुझे फ़ोन करने लगेंगे तो आप सोचो मेरे पास कोई टीम नहीं है मैनेज करने के लिए। फ़ोन कॉल नहीं, सिर्फ मैसेज करें, और पेमेंट रिलेटेड इंक्वायरी हो तभी मेरे पास मैसेज आए आपका। अगर आप मेंबर्स हों तभी अपने डाउट्स पूछें, सबको मैं मैनेज एक साथ में नहीं कर सकता। टाइम अपना भी वेस्ट ना करें और मेरा भी वेस्ट ना करें, छोटी सी आपके हाथ जोड़ करके गुजारिश है। बढ़ते हैं आगे, कह रहा फ्रीडम फॉर मिस मुफ्ती स्टिल नॉट क्लियर। फ्रीडम जो है ना मुफ्ती मैडम के लिए अभी भी साफ नहीं है, क्लियर नियर नहीं है, जो है नज़दीक नहीं है। कैसे, द एडमिनिस्ट्रेटर इंडिकेटेड ऑन ट्यूजडे। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, रिजीम है, हुकूमत है, उन्होंने इंडिकेट किया, ऐसा इशारा किया ट्यूजडे को। और कैसे इशारा किया, एज, क्योंकि इट शिफ्टेड हर, इसने शिफ्ट कर दिया उनको। हर किसके लगाए, मुफ्ती मैडम के लिए। इट किसके लगाए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने शिफ्ट कर दिया उनको फ्रॉम अ गेस्ट हाउस टर्न जेल टू हर ऑफिशियल रेजिडेंस। एक गेस्ट हाउस को जिसको जेल बना रखा था वहाँ से, और कहाँ पे किया, उसके सरकारी निवास पे, ऑफिशियल रेजिडेंस पे, है ना, उसका जो आधिकारिक रेजिडेंस है। कह रहा कौन सा रेजिडेंस, दैट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज अ सब्स्टिट्यूट जेल, जिसको डेजिग्नेट कर दिया जा चुका है, जिसको नाम दे दिया जा चुका है सब्स्टिट्यूट जेल का, एक दूसरी जेल का। सब्स्टिट्यूट जेल मतलब मेन नहीं है, ये मेन के साथ में हेल्पिंग जेल है, समझ गए ना। तो कह रहा अभी भी फ्रीडम जो है नज़दीक मुफ्ती मैडम के नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब मिलाते जाओ, बाकी ये हलवा एडिटोरियल, कुछ इसमें है नहीं, खाली जो रूल्स बता रहा हूँ उस पर ध्यान दे देना आप। कह रहा है शी विल नॉट बी अलाउड,
उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। टू मूव आउट ऑफ हियर और रिसीव विजिटर्स, एक तो मूव आउट ऑफ करने के लिए, बाहर निकलने के लिए यहाँ से, और दूसरा विजिटर्स को रिसीव करने के लिए, मिलने जुलने वालों को मिलने के लिए जो आते हैं, कह रहा। और तीसरा क्या, रिमेन्स इन डिटेंशन अंडर द कॉन्ट्रोवर्शियल पब्लिक सेफ्टी एक्ट, शी रिमेन्स इन डिटेंशन अंडर कॉन्ट्रोवर्शियल एक्ट, समझ गए ना। इस शी की तीन वर्ब सही है, पहली आई है अलाउ नहीं होंगी पैसिव वॉइस में, दूसरी आई है विल नॉट बी रिसीव्ड, विल नॉट रिसीव विजिटर्स, ये एक्टिव में, और तीसरा है शी रिमेन्स इन डिटेंशन, अभी भी बनी हुई है डिटेंशन के अंदर, इस एक्ट के अंदर। एक सब्जेक्ट एक से ज़्यादा वर्ब्स भी ले सकता है। कह रहा हंड्रेड्स ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग वेटरन पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर नईम अख्तर एंड IAS ऑफिसर टर्नड पॉलिटिशियन शाह फैजल कंटिन्यू टू लैंग्विश इन जेल। कह रहा हजारों या सैकड़ों दूसरे लोग, हंड्रेड ऑफ अदर्स, जिसमें शामिल हैं ये वेटरन, ये पुराने खिलाड़ी, और किसके, इस पार्टी के लीडर, पुराने लीडर, कौन लीडर हैं ये, नईम अख्तर, और दूसरे कौन है, जो IAS ऑफिसर से पॉलिटिशियन बने थे, शाह फैजल जिनका नाम है। कह रहा ऐसे सैकड़ों दूसरे ना कंटिन्यू है अभी भी लैंग्विश करना, सड़ना उनका जेलों के अंदर, अपने कारावास के अंदर, समझ गए ना। सेंटेंस का मीनिंग आप समझें, अदर्स इसकी सब्जेक्ट है, कंटिन्यू उसकी वर्ब है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसमें देखने वाली चीज़ है, अभी अदर, द अदर और अनदर मैंने आपको समझाया था, हंड्रेड्स आया है तो अनदर तो लगेगा नहीं। अब आपके पास चॉइस थी द अदर्स की, द अदर की या अदर्स की। अदर्स क्यों लिया मैंने, क्योंकि द अदर इसलिए लगा रहा हूँ मैं, सेवरल हंड्रेड की बात हो रही है, इसमें शामिल है ये दो आदमी, पीछे 98 और भी तो होंगे ना, 198 298, हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे अदर्स लगा रहे हैं, द अदर्स नहीं लगा रहे, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज का मतलब होता है सड़ना, जिसको हिंदी बोलते हैं ना जेल में सड़ रहा है, उसको इंग्लिश में बोलते हो लैंग्वेज कर रहा है जेल में। इसको डिटेरियोरेट भी बोल सकते हो, विदर भी बोल सकते हो, रॉट भी बोल सकते हो, तीनों बातों का मतलब यही होता है, किसी इंसान किसी फल सब्जी का सड़ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा द मैनर इन विच द सेंटर होल्ड आउट आर्टिकल 370 एंड डिसमेंटल्ड द स्टेट सेट एन इनग्लोरियस प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। कह रहा द मैनर, वो खास तरीका, वो स्पेसिफिक अंदाज जिसके अंदर, इन विच सेंटर ने होलो आउट कर दिया, होलो मतलब खोखला, आउट मतलब बाहर, किसी चीज़ को उसके अंदर से सामान निकाल करके बाहर खोखला बना दूँ तो मैं कर दूंगा होलो आउट, मतलब कहने का कमज़ोर बना दूंगा किसी चीज़ को, अंडरमाइन कर दूंगा। कह रहा सेंटर ने जिस, वो अंदाज जिसके अंदर सेंटर ने कमज़ोर बनाया आर्टिकल 370 को, होलो आउट कर दिया, ख़त्म कर दिया और डिसमेंटल कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए एक स्टेट के, और क्या कर दिया, कह रहा ये मैनर है ना, ये सेट करता है एक इनग्लोरियस प्रेसिडेंट को। सेट क्या है यहाँ पे मेरे भाई, सेट है यहाँ पे इसकी मेन वर्ब, यहाँ पे मेन वर्ब है, मैं इसको लगा दूँ, चलो। ये मैनर सेट करता है एक ऐसी प्रेसिडेंट को, एक ऐसी मिसाल को जो इनग्लोरियस है, जिसमें बिल्कुल भी ग्लोरी नहीं है, शर्मनाक मिसाल है, और किसमें, हिस्ट्री में, अच्छा किसकी, भारत के फेडरलिज्म की, भारत के संघवाद की। फेडरलिज्म क्या होता है, जहाँ पे एक स्टेट हो और बहुत सारी स्टेट्स हो और एक सेंटर ऊपर बैठा हो, फेडरल सिस्टम हो, गवर्नमेंट उसको बोलते हैं, समझ गया सेंटेंस को। मैनर की वर्ब आई है यहाँ पे, सेंटर की दो वर्ब्स आई हैं, पहले इसने होलो आउट किया है, दूसरा एक स्टेट को डिसमेंटल किया है। होलो आउट फेजल वर्ब है, समझ लें इसको, अंडरमाइन करना, किसी को कमज़ोर बनाना, डिबिलिटेट करना, किसी की ताकत को खींच लेना, किसी चीज़ को मार देना। बढ़े आगे, प्रेसिडेंट आपको बताया था ना मैंने, मिसाल होती है। किसी का सवाल आया मेरे पास, सर ये प्रेसिडेंट तो अभूतपूर्व लिखा हुआ है, पता नहीं किस सर ने बताया मुझे, उनका स्क्रीनशॉट दिखा रहा है मुझे, आपने तो ऐसा बताया सर, प्रेसिडेंट वो होता है जिसकी कोई मिसाल ना हो। अरे मेरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगा ले, जिस चीज़ की कोई मिसाल नहीं है वो अभूतपूर्व ही है ना, जो कभी भूत में नहीं हुआ है, भूतकाल में नहीं हुआ है, उसको कहते हैं अभूतपूर्व। अब क्यों शब्दों के जाल में तुम फंसे हो, सर उस सर ने ये बताया था, आपने ये बताया, अरे तुमने यही काम करना है क्या, नौकरी वोकरी लेके ज़िंदगी बिताओ अपनी शांति से, उस सर ने क्या बताया था, मैंने क्या बताया, उससे क्या लेना है, बातें एक ही है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस जो है ना आजकल रेयर हो गया, मेरे को तो ये लगता है। करेक्ट, द लॉकडाउन ऑफ J&K वॉज मोस्टली लिफ्टेड बिफोर इट वॉज इम्पोज टू कॉम्बैट COVID-19। जो लॉकडाउन है, जो तालाबंदी का काम है, जम्मू एंड कश्मीर का मोटे तौर पे लिफ्ट कर दिया गया था, मोटे तौर पे उसको हटा दिया गया था, विड्रॉ कर दिया गया था, इससे पहले कि इसको इम्पोज किया गया, फिर से पैसिव वॉइस में लगाया गया कॉम्बैट करने के लिए इस वायरस को, हटाया ही था उससे पहले ही इसको फिर से रीइम्पोज कर दिया, क्योंकि अब तो पूरे देश में लगा हुआ है लॉकडाउन। करा मीनवाइल, इसी बीच द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द रेवोकेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस
and accompanying restriction on entire population of region remains unsettled before the Supreme Court. कह रहा है इसी बीच मीनवाइल, लिख लो मीनवाइल को कहीं पे, मीनवाइल का मतलब क्या होता है, बाकी सब चीज़ें तो चल रही है, इसी बीच कह रहा है, इसी बीच जो संवैधानिकता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है, जो राइटनेस है, सही होने की क्वालिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अच्छा किसकी, इस रेवोकेशन की, इस फिर से खींच लेने के काम को, कैंसिल कर देने के काम को, किसको, स्पेशल स्टेटस को, संवैधानिक दर्जे को, अच्छा और किसको, उसके साथ में कंपनी करने वाले, उसके साथ में आने वाले रेस्ट्रिक्शंस को, पाबंदियों को, और किस पे, पूरी पॉपुलेशन पे, पूरी आबादी पे, और कहाँ की, एक रीजन की, एक भूभाग की, कह रहे जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है ना रिमेंस अभी भी बनी हुई है, क्या बनी हुई है, अनसेटल्ड, कोई सेटलमेंट इस पर अभी तक आया है नहीं, और कब, सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी केस है जारी, और कैसे, 8 months on, यहाँ पे यूँ भी लिख सकता था मैं 4-8 months है ना, 8 months on का मतलब क्या है, चालू है ये काम, 8 महीने हो गए हैं, अभी भी काम जो है ख़त्म हुआ नहीं है ना, सिंपल तरीके से 4-8 months, और अगर इसके तरीके से लिखूँ तो 8 months on, बढ़ते हैं, कह रहा मिस मुफ्तीस होम इम्प्रिजनमेंट एट ए टाइम वेन द एंटायर पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड टू लॉक देमसेल्फ अप इन देयर ओन होम्स, कह रहा मुफ्ती मैडम का जो होम इम्प्रिजनमेंट है ना, घर में नज़रबंदी का काम है, घर के अंदर जो डिटेंशन है, ऐसे एक वक्त पे जब पूरा देश एंटायर पॉपुलेशन से एक्सपेक्टेड है, पूरे देश से हमें ये चीज़ के बारे में आशा है, और क्या करने की, लोग कर लेंगे वो अपने आप को, लोग कर लेंगे वो खुद को, और कब, कहाँ पे, अपने खुद के घर में, होम में, कह रहे ये जो इम्प्रिजनमेंट है ना, ये क्या है, ये इज है द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, ये बेवकूफ़ी पने का एक थिएटर है, ये एक ऐसा नाटक है, एक ऐसा थिएटर है जो भरा हुआ बेवकूफ़ी से, समझ गए ना, नज़ारा है ऐसा बेवकूफ़ी भरा, आप इसको क्या इम्प्रिजनमेंट कर रहे हो, पूरा देश इम्प्रिजेंट है, तो क्या इसको घर में डिटेन कर रहे हो आप मुफ्ती मैडम को, अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ों पर आ जाओ, मेरे को एक छोटे सवाल का जवाब देना, इज एक्सपेक्टेड लगा दिया एंटायर पॉपुलेशन के लिए, ये पागल है क्या, पॉपुलेशन तो बहुत लोग होते हैं, 100-150-200 crore लोग हैं अपने, 130 crore इज एक्सपेक्टेड लगा रहे हैं फिर भी हम साथ के साथ, क्यों लगा रहे हैं हम इसके साथ, अगर आपने नॉन वीडियो देखी है तो अभी आप फट से बता दोगे सर ये इज एक्सपेक्टेड क्यों लगाया है, पॉपुलेशन किस टाइप का नाउन है, और अगर आपने नहीं देखी है तो गलती मेरे भाई तुम्हारी है, सब्जेक्ट मैं सब कुछ बता चुका हूँ आपको ये चीज़ें क्यों होती हैं, अगर आप सीख नहीं रहे हो और पिछला सीख अगला सीख के पिछला भूल रहे हो ना, तो उसके लिए आप घर पे अगर कोई आपको नहीं समझाएगा, यही मैं समझा सकता हूँ, पिछली चीज़ों को मत भूलना और सिस्टमेटिकली ग्रामर को पढ़ना, इज एक्सपेक्टेड क्यों लगा है बताना मुझे ज़रूर, जिन लोगों को बताओ यहाँ पे पॉपुलेशन के साथ में, देमसेल्व्स क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कैसे पता लगा, लॉग के जस्ट बाद आया है, वर्ब के जस्ट बाद आया है, वर्ब के जस्ट बाद आता है तो मतलब क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही सेंटेंस के अंदर, पॉपुलेशन किसको लॉग कर रही है, अपने आप को, इसलिए यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, देमसेल्व्स, बढ़े आगे, कह रहा है हर कंटिन्यूइंग इनकार्सरेशन इवन आफ्टर टू अदर फॉर्मर CMs हैव बीन फ्रीड इज इनएक्सप्लिकेबल, उसका जो जारी होने वाला काम है जेल में इनकार्सरेशन का, इम्प्रिजनमेंट का, हवालात में रहने का, और कब, यहाँ तक कि बाद में दो अदर फॉर्मर CM के फ्री होने के, तब जब दूसरे दो पुराने CMs फ्री कर दिए गए हैं, कह रहे जो इनकार्सरेशन है ना ये टोटली इनएक्सप्लिकेबल है, इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इनएक्सप्लिकेबल इज अ वन वर्ड, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसके दो सिनोनिम्स हैं वो भी वन वर्ड ही हैं, इनकॉम्प्रिहेंसिबल और अनफैथमेबल, देखिए कॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंस करना आप जानते हैं ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, किसी चीज़ को रीड करके पढ़ना को कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो समझना किसी चीज़ को कॉम्प्रिहेंशन, इसी से एक्सप्लिकेबल आया, जिस चीज़ को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना उस चीज़ को आप कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकते, समझ भी नहीं सकते, और वो चीज़ फैदम भी नहीं कर सकते, फैदम का करना मतलब ये होता है किसी चीज़ को नापना या समझना, है ना, समुंदर की गहराई को नापते हो फैदोमीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको ना, गहराई नापने वाला यंत्र, और किसी चीज़ को समझते हो किसी चीज़ के अंदर की गहराई को नापते हो तो भी फैदम करते हो, वर्ड्स का एक वेब है, ये आपको डिक्शनरी नहीं बनना है, आपको डिक्शनरी को सही तरीके से यूज़ में लेना है, आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ देखने वाला है नहीं सिवाय इस अदर के, यहाँ पे मैंने अदर क्यों लगाया, ऊपर आपको भी कॉन्सेप्ट बताया था, द अदर और अनदर क्यों नहीं लगा हुआ आप अभी जान गए हैं, कह रहा व्हाट इज इट दैट मेक्स हर एन एक्सेप्शनल सस्पेक्ट अंडर द PSA, कौन सी वो चीज़ है, देखो क्वेश्चन मार्क लगा है मतलब क्वेश्चन है, कह रहा कौन सी वो चीज़ है, व्हाट इज इट, जो कि इसको बनाती है, और किसको बनाती है, इस औरत को, क्या बनाती है, खास, एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल सा सस्पेक्ट बनाती है, शक का संदिग्ध पत्र बनाती है, और किस में, इस एक्ट के अंदर,
क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के अंदर गलती ये करते हैं आप, व्हाट विच व्हाई व्हेन के साथ में हेल्पिंग वर्ब को यूज़ नहीं करते हैं। आप क्या लिखते हो, व्हाट योर प्लान इज, क्या प्लान है तुम्हारा, नहीं होता भाई ऐसे। व्हाट इज योर प्लान, व्हाट यू वांट, क्या तुम चाहते हो, ऐसा नहीं होता। व्हाट डू यू वांट, पेपर में आपसे पूछेगा ना, वहाँ नहीं चलेगा व्हाट यू वांट, व्हाट डू यू वांट ही आपको लिखना है अगर आप एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो। कह रहे द चेंज इन द स्टेटस ऑफ जे एंड के एंड द मैसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स टू डील विद इट्स aftermath वर स्पेक्टेकल्स ऑफ अ न्यू नेशनल रिसोर्स। कह रहे तो चेंज आया स्टेटस के अंदर, दर्जे के अंदर कश्मीर के, और जो बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट आया, बहुत बड़े स्केल पे काम पे लगाया गया डिप्लॉयमेंट, किसका, फोर्स का, हमारे शस्त्र बलों का। कह रहे ये दोनों चीज़ें जो है ना, एक तो चेंज और मैसिव डिप्लॉयमेंट, बड़े स्केल पे शस्त्र बलों का इस्तेमाल, और क्यों, डील विद करने के लिए, निपटने के लिए, और किसके आफ्टरमाथ को, इस पूरे इस स्टेटस को निकालने के आफ्टरमाथ को। आफ्टरमाथ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का बुरा परिणाम, है ना, बुरा या समझ लो परिणाम ही समझ लो, रिजल्ट समझ लो। कह रहे ये दोनों चीज़ें हैं ना जिनको इसके आफ्टरमाथ में डील करने के लिए लगाया गया था, ये दोनों चीज़ें थी नज़ारा, ये दोनों चीज़ें थी स्पेक्टेकल्स, किसके, एक नए नेशनल रिजर्व के, एक नए राष्ट्रीय संकल्प के। रिजर्व क्या होता है, प्रॉमिस, संकल्प, और कैसे था ये, अकॉर्डिंग टू द सपोर्टर्स ऑफ दोज डिसीजंस, उनके हिसाब से जिन्होंने सपोर्ट किया था इन डिसीजंस को, जो कहते हैं ना बहुत बढ़िया काम हुआ कश्मीर की, निकल गई आज़ादी, कह रहे उनके हिसाब से बहुत अच्छा नज़ारा था ये नेशनल रिजर्व का। सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स आपको मैंने बता दिए हैं। आफ्टर माथ क्या होता है, किसी चीज़ के बाद में जो गणित लगती है ना, ऐसे याद करना है इसको, आफ्टर मतलब बाद में, और बाद में जो मैथ लगाते हो आप, अब कितना नुकसान हुआ कितना फ़ायदा हुआ, जो रिजल्ट आप निकालते हो हिसाब लगा करके, उसको कहते हैं आफ्टर माथ। मैंने इस तरीके से याद किया है, आपको जमे तो आप याद कर सकते हैं, ये निमोनिक्स होते हैं, इनसे आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें याद होती हैं। स्पेक्टेकल्स मैंने आपको बताया था, चश्मा होता है उसको भी स्पेक्टेकल बोलते हैं, जिसको आप हिंदी छोटे फॉर्म में बोलते हैं स्पेक्स, और वैसे स्पेक्टेकल का दूसरा मतलब होता है नज़ारा, नज़ारे को आप बोलते हैं ऑप्टिक्स, ये भी होता है नज़ारा। बढ़े आगे, करें द अनफोल्डिंग ट्रेजडी ऑफ द पेंडेमिक बी स्पीक्स द पिटफॉल ऑफ लॉप साइडेड प्रायोरिटीज। अब ये बहुत अच्छी बात है, ध्यान से पढ़ना इसको, बुरा मानने वाली बात नहीं है। कह रहे जो अनफोल्ड होने वाली ट्रेजडी है ना, जिसके अभी टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, तार तार होकर के सबके सामने निकल करके आ रही है इस ट्रेजडी की, और ट्रेजडी कौन सी है, इस महामारी की। कह रहे जो ट्रेजडी है ना, ये बी स्पीक करती है, ये इशारा करती है, इम्प्लाई करती है, इंडिकेट करती है उन पिटफॉल्स को, उन कमियों को, जो कि हैं ऐसी प्राथमिकताओं की, ऐसी प्रायोरिटीज़ की जो बिल्कुल लॉप साइडेड है, एक तरफ है। और कैसे कैसे करती हैं ये काम बी स्पीक करने का, बाय लेइंग बेयर द कंट्रीज इन एडिक्वेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ले करके बेयर, कपड़े उतार करके बेयर करके, समझ रहे हो, बेयर करना मतलब किसी के कपड़े उतार देना, न्यूट कर देना, ये ले कर रही है, लिटा रही है बेयर करके कंट्री के इन एडिक्वेट अपर्याप्त हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को। समझो सेंटेंस को क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है जो तुम्हारी लॉप साइडेड प्रायोरिटीज थी ना, तुम्हारे देश की, मंदिर बनाना है यहाँ पे, धारा ये लगानी है, ये जो तुम्हारी प्रायोरिटीज थी एनपीआर और एनसीआर की जो है इस तरह की, ये लॉप साइडेड प्रायोरिटीज को ना, ये पेंडेमिक का अनफोल्ड होना है ना, क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है इनको, इन प्रायोरिटीज़ के अंदर के पिटफॉल्स को। और कैसे कर रहा है, इसने तुम्हारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का है जो इनएडिक्वेट है, उसे कपड़े खोल करके दिखा दिया है कि 5000 केस के अंदर तुम्हारे हाथ पांव फूले हुए हैं, सिर्फ 5000 केस के अंदर, समझ रहे हो। तो अपनी प्रायोरिटीज आपकी जो थी ना, वो लॉप साइडेड थी, एक तरफ आप ज़्यादा झुके हुए थे, डेवलपमेंट फोकस कम थे और दूसरी चीज़ों पर फोकस्ड आप ज़्यादा थे। समझाने का तरीका है आपको, अब इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अनफोल्ड होना आप जानते हैं, किसी चीज़ को, कैलेंडर को आप फोल्ड करते हैं, जब आप उसको अनफोल्ड करेंगे तो मतलब सबको खोल करके दिखाएंगे, इसी को अनरेवल करना भी कहते हैं, किसी चीज़ के टुकड़े टुकड़े कर देना, किसी चीज़ के धागे खोल करके दिखाना, वो चीज़ कैसे बनी है, सिनोनिम है एक दूसरे के। बी स्पीक एक नई वर्ब आपके लिए, इंडिकेट करना, इशारा करना, स्पीक इसमें आ रहा है मतलब बोलना होता है, इम्प्लाई, इंडिकेट और हिंट करना। बढ़ते हैं आगे, कह रहे जे एंड के इज बैडली हिट बाय द डिजीज़, कश्मीर बुरी तरह से घायल है इस डिजीज़ के द्वारा, पूरा देश ही घायल है, कह रहा कश्मीर भी घायल है। कह रहा विद अ फाइट बैक रिस्ट्रिक्टेड बाय द एब्सेंस
ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। और ये कैसे घायल है, देखो पूरा देश तो घायल है, कश्मीर के बारे में बता रहा है कैसे घायल है। कह रहा है एक ऐसे फाइटबैक के द्वारा घायल है, एक जवाबी हमले के द्वारा घायल है जो रिस्ट्रिक्टेड बाय है, जो लिमिट लगा हुआ है, और किसका, एक नामौजूदगी का, इलेक्टेड गवर्नमेंट की। कश्मीर में तो इलेक्टेड गवर्नमेंट भी नहीं आज की डेट में, इस वजह से बैडली हिट है, पूरे देश के मुकाबले ज़्यादा हिट है। रेस्ट्रिक्टेड यहाँ पे अचानक से आई वी थ्री है, फाइट बैक के बारे में कुछ बता रही है, एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है। कह रहा है द हैवक बाय द वायरस शुड नॉट बी यूज एज अ फैकेट टू ट्रैम्पल अपॉन सिविल राइट्स और टू क्रिमिनलाइज एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। कह रहा है जो हैवक है ना, जो जलजला है, जो मेहम है, क्लेमिटी है, डिजास्टर है, कैटास्ट्रॉफी है, तूफान है, इस वायरस का, इसको यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, इस जलजले को इस्तेमाल इस तरीके से ना करें। किस तरीके से, एक फैकेट की तरह, एक जो है धोखे की तरह, एक ब्लफ की तरह, और क्यों, ट्रैम्पल डाउन करने के लिए, एनक्रोच करने के लिए, वायलेट करने के लिए, उल्लंघन करने के लिए सिविल राइट्स का, और क्या करने के लिए, क्रिमिनलाइज करने के लिए, जो आपके अभिव्यक्ति के अधिकार को, एक्सप्रेशन ऑफ आपकी ओपिनियन को, वायरस का नाम लेकर के वहाँ के लीडर्स को आप पकड़ करके आप जो है ना रखें, समझ गए सेंटेंस को। ट्रैम्पल डाउन इज अ फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है ब्रीच करना, वायलेट करना, एनक्रोच करना, इन्फ्रिंज करना, सब मैं आपको सिखा चुका हूँ सारे इसके सिनोनिम्स। फैकेट होता है किसी चीज़ को, जो आप बाहर से दिखता है अंदर से कुछ और होता है ना, उसको कहते हैं फैकेट, इसलिए आप ब्लफ बोलेंगे इसको। सेम्बलेंस एक वर्ड आपने मेरे साथ देखा था, सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी है ना, नॉर्मलसी का धोखा, फैकेट का मतलब यही होता है। कह रहा है इफ एनीथिंग, अगर कुछ है, दिस अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस शुड स्पर फ्रेश थिंकिंग ऑन फाइंडिंग सोल्यूशन। कह रहा है ये जो अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस है ना, ये अभूतपूर्व सा जो तूफान है, हैवक है, जो आज तक नहीं हुआ, जिससे कोई मिसाल नहीं है, इसको स्पर करना चाहिए, इसको उंगली लगानी चाहिए, इसको भड़काना चाहिए नई सोच को, फ्रेश थिंकिंग को, और किस चीज़ पे, फाइंड करने के लिए सोल्यूशंस को। अच्छा किसके लिए, टू इंट्रैक्टेबल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, इन सियासी समस्याओं के लिए जो इंट्रैक्टेबल हैं, जो बातचीत से सुलझाई जा सकती है। कह रहा अगर और कुछ नहीं ना, तो कम से कम ये मौका आपको भी मिला है। द बीजेपीज व्यू ऑन कश्मीर इज एज ओल्ड एज द पार्टी इटसेल्फ। बीजेपी का जो व्यू है ना कश्मीर पे, वो उतना ही ओल्ड है, एज ओल्ड, और जितना कि जितनी है ओल्ड पार्टी है, जब से ये पार्टी है ना, वैसे कश्मीर पे इसकी व्यू है, आज तक इसकी व्यू जो है ना चेंज नहीं हुई है। कह रहा बट लेकिन दैट बाय इट्सेल्फ इज नो रीजन, ये जो चीज़ है ना ऊपर वाली दैट, ये अपने आप में बाय इट्सेल्फ नहीं है कोई भी रीजन, कोई भी कारण नहीं है। और क्या करने का, टू अवॉइड रेविजिटिंग द इशू, अवॉइड करने का जो है, नकार देने का या बचने का, रीविजिट करने के इस इश्यू को। कह रहे ये जो आप सोचते आ रहे हो, ये अब तब से सोचते आ रहे हो जब से आप बने हो पार्टी के तौर पे, अब ये जो है ना कोई रीज़न नहीं है कि हम इतने टाइम से ऐसा सोच रहे हैं तो आज कैसे कश्मीर पे हम मेहरबान हो जाएं, तो कह रहे कोई रीज़न नहीं है ये अपने आप में कि इस वायरस के टाइम पे आप इस इश्यू को रीविजिट ना करें। अब यहाँ पे एक छोटा सा लेसन है ग्रामर का आपके लिए, अवॉइड एक ऐसी वर्ब है, इसके बाद में आप टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते, आप कभी भी नहीं ऐसा लिखते मैं वहाँ जाना अवॉइड करता हूँ, आई अवॉइड टू गो देयर, अगर ऐसा लिखते हो तो गलत सेंटेंस है। ये मैं आपको स्पेशल वर्ब पैटर्न्स में करवा चुका हूँ, कुछ वर्ब्स अपने बाद में हमेशा जेरंड लेती हैं, कुछ वर्ब्स हमेशा इन्फिनेटिव लेती हैं, और कुछ वर्ब्स दोनों लेती हैं, और कुछ वर्ब्स दोनों लेती हैं पर दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। चार तरह के किस्से हैं, पाँच मिनट की दो वीडियोज़ हैं, यहाँ पे डाल दे रहा हूँ स्पेशल वर्ब पैटर्न्स की, ज़्यादातर मेंबर्स ने देख लिया, अगर आपने नहीं देखी तो बताना, और अगर देखिए तो बताना पाँच ऐसी वर्ब्स और हैं जिनके बाद में आप जेरंड ही लगाओगे, दूसरी कोई दूसरी वर्ब नहीं लगा सकते, समझ गए ना, इन्फिनेटिव नहीं लगेगा जिनके बाद। कर एट द वेरी लीस्ट इट कैन डू हाउएवर इज टू इमीजिएटली फ्री मिस मुफ्ती, कम से कम जो ये कर सकती है ना, हालांकि वो क्या है, इमीजिएटली फटाफट से फ्री करने का काम है मिस मुफ्ती को, कम से कम जो आप कर सकते हो ना, लिस्ट उसकी वर्ब है इज टू इमीजिएटली फ्री। कह रहा दैट विल बी ए गुड सिग्नल टू द पीपल ऑफ J&K ड्यूरिंग दिस टफ टाइम्स, ये होगा एक बहुत ही अच्छा सिग्नल जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए इन टफ टाइम्स के दौरान। अच्छा लगाओ जरूर से मुझे लाइक सेक्शन के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके और लाइक बटन को दबा करके प्रेस करके बताएं, समरी को जरूर डालें, कोशिश करता हूँ जितनी मैं रेट कर पाऊँ, और भी लोग हैं आप इस समरीज को रेट कर रहे हैं, आपको हेल्प करेंगे। बुरा मत मानना कोई कि व्हाट्सएप पे तो सर ने मना बोल दिया, आप तो बात ही नहीं करेंगे हमसे, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना, एक आदमी कितने लोगों से कितने दिनों में बात कर सकता है, या तो इस कमेंट कंटेंट की क्वालिटी को मेंटेन कर लूं, या मैं आपसे बात कर लूं और कंटेंट की क्वालिटी को गिरा दूं, चॉइस आपके हाथ में है, अपने हिसाब से चलें। खबरी में मिलूंगा शाम को, फिर उसकी इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज चल रही है, जरूर से उस सीरीज़ को पूरा करें। इजाज़त दें मुझे अगली ऑडियो तक के लिए, साइनिंग।